एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ जो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ही हैं। आप लोग जो मेरे टाइटल को पढ़ के यहाँ तक आए उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगी हम अपनी स्किन को, अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को, हाथ को, पैर को, मुंह को और या कोहनी को, हम अपने जो सर्दियों में कैसे फटने से बचा सकते हैं, कैसे हम उसको जो है मक्खन की तरह बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं सिर्फ उसमें जो है दो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो है स्किन जो है बहुत ज़्यादा बेबी की तरह हो जाएगी। बेबी मीन्स जैसे जो नवजात बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबी की स्किन जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, इस तरीके की हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं बताऊँगी क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको इसके अंदर, ना आपको कोई मतलब कोई फेस पैक ऐसा जो यूज़ करना पड़ेगा जो आप लोगों के घर पर नहीं हो, मैं सारी चीज़ें उसके साथ जो है क्लियर करने वाली हूँ। और साथ के साथ आप इसके अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना पड़ेगा, ना विटामिन ई ऐड करना पड़ेगा, ना आपको इसमें पानी ऐड करना है, ना आपको इसमें दही ऐड करना है। ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आपकी जो स्किन मतलब पूरी सर्दियां आपकी जो बहुत अच्छी निकल जाएगी और यहाँ तक कि आपकी स्किन बिल्कुल भी फटेगी नहीं और ना क्रैक होगी। चलिए स्टार्ट करते। पर हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ये वीडियो देखते देखते किसी भी एंगल में कहीं पर भी आप लोगों को हेल्प मिलती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक का बटन नीचे ही है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। कंजूसी मत कीजिएगा, प्लीज़ उसको कर दीजिएगा और हमें जो है सपोर्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आप लोग टाइटल पढ़ के यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने जो है सबसे पहले एक बाउल ले लिया। हमें क्या इसके अंदर ऐड करना होगा? सबसे पहले हमें लेना होगा ग्लिसरीन। देखिए ग्लिसरीन मेरे पास जो है यूनाइटेड की है और जो है रोज़ ग्लिसरीन है। आप इसको जो फेस पे, स्किन पे कहीं भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके फेस जो है आपका फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा। आप इसको जो किसी भी ब्रांड का जो अगर आप आपके पास कोई भी ग्लिसरीन है तो आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन टोन किसी भी तरह की हो, किसी भी प्रकार की हो, वो आपको मॉइस्चराइज करेगी और ग्लिसरीन जो है डीप जाके जो हमारी स्किन को अच्छे से रिपेयर करता है। और आपको पता ही है अब विंटर्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे जो है विंटर्स के साथ स्टार्ट के साथ साथ हमारी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आने स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं यहाँ जो 1 से 1.5 चम्मच जो है मैं ग्लिसरीन ले रही हूँ और साथ के साथ हमारी ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। हमारे जो हाथ पैर मुंह मक्खन की तरह होना शुरू हो जाते। वैसे काफ़ी लोग जो है पेट्रोलियम जेली जैसे जो है वासलीन के नाम से जाना जाता है वो भी यूज़ करते, बट ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको पूरी सर्दियाँ आपको जो है निजात मिलेगा आपकी ड्राइनेस से और साथ के साथ अगर किसी के स्किन की प्रॉब्लम है, एक्ने की, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। साथ के साथ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है जो डार्क स्पॉट छोड़ देती है, तो वो भी आप लोगों के धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिंकल्स आपको जैसे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते, वो भी हमारे रिंकल्स को जो है बिल्कुल रिमूव कर देगा। मीन्स रिमूव मीन हमारी स्किन को टाइटनिंग कर देगा, ब्राइट कर देगा। अब मैं इसके अंदर क्या मिलाने वाली हूँ, आप इसके अंदर अगर वैसे तो आप विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं जो है अगर आपके पास कोई भी फेस पैक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पास मुल्तानी मिट्टी चाहिए कि या चंदन पाउडर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास स्पेशली अगर कोई सा भी फेस पैक है, ये देखिए फेस पैक है, यहाँ पर मेरे पास जास्मिन का फेस पैक है, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ एंड ऑरेंज का फेस पैक है तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ कोई प्रेशर नहीं दूंगी कि आप कोई सा भी ले, बट यहाँ पर हमें अपने फेस को अच्छा करना है तो आप तो मुल्तानी मिट्टी से लेके कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ले ली है, तो मैं वैसे इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो। तो वैसे आपको इसके अंदर क्या करना है, ग्लिसरीन के साथ सिर्फ आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। मुल्तानी मिट्टी कितनी लेनी है, सिर्फ आपको इतनी सी लेनी है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप अपने फेस के किसी भी बॉडी में हिस्से में लगा सकते हैं, चाहे आपको स्किन पे लगाइए चाहे अपने फेस पे लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होगी और बहुत ज़्यादा जो आपको आराम मिलेगा आपकी स्किन की ड्राइनेस से, इचिंग की प्रॉब्लम से, अगर आपके लोगों की सेंसिटिव स्किन है। बस आपको जो है 2 से 3 इंग्रेडिएंट ऐड करने। आप इसके अंदर एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल, बट हमें जो है ग्लिसरीन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित करेगा। हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी क्योंकि सर्दियों में स्पेशली जो होती है बहुत ज़्यादा ये जो है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा व्हाइट होना स्टार्ट हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे हमारी कोई स्किन है अगर हम इस पर कोई निशान डालते तो बहुत जल्दी व्हाइट होना स्टार्ट हो जाती है इसी तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे, डेली यूज़ करने के बाद क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ऐसे करके जो है व्हाइट निशान आना शुरू हो जाता है, जबकि मैंने तो ये यूज़ करती थी इसलिए मेरे को नहीं दिखा रहा है मेरे स्किन को।
बस इसी तरीके से अगर आपको इसको करना है ना, आपको रोस्ट करना है ना, पकाना है ना, आपको कुछ, बस आप क्या कीजिए 15 से 20 रुपए की ग्लिसरीन की बॉटल अपने जो है घर पे रख सकते हैं। और रखने के बाद क्या है, आप उसके अंदर कोई भी फेस पैक लगा के जो अपने फेस पे लगाइएगा, लगाने के बाद आप क्या कीजिएगा, किसी भी टिश्यू पेपर से, किसी भी नैपकिन से उसको पोंछ लीजिए और हल्के से ठंडे पानी से थोड़ा गुनगुना पानी उससे अपने फेस को वॉश कर लीजिए। याद रखिएगा प्लीज़ उसमें जो है आपको जो है साबुन नहीं लगाना है। आप रात को अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप मॉर्निंग में अपने फेस को अच्छे से वॉश कर सकते हैं, जो ग्लिसरीन है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा हमारी स्किन को और अच्छे से वर्क करेगा। और इस तरीके से आपको इसको लगाना है। चलिए मैं आपको अपने चेहरे पे लगा के दिखाते हैं इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। देखिए ये हमारा फेस पैक जो बन के तैयार हो चुका है, इस तरीके का ये फेस पैक है, ये देख सकते हैं आप। बस आपको क्या करना है, अपने चेहरे पे आपको इसको लगाना है। आप इसको जो किसी भी जो है ब्रश की सहायता से आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी अपने हाथों से भी इसको लगा सकते हैं। लगा के जो आपको 2 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आप एक किसी टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से जो रब कर लीजिएगा, और फिर आप देखिएगा सुबह को, आप देखिए मॉर्निंग में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए मैं इसको जो अपने फेस पर लगा के आपको दिखाती हूँ। बालों को अच्छे से बांध लीजिएगा, हो सकता है आपके बालों को या आपके कपड़ों को जो है ख़राब कर सकता है, इस तरीके से आपको इसको करना होगा। देखिए मैं इसको जो है लगा लेती हूँ, इस तरीके से आपको इसको लगाना है। देखिए मैं यहाँ पर कोई ब्रश नहीं ले रही हूँ, इस तरीके का ये है, इस तरीके का, बस इसको मैंने अपने हाथों से लेना है। आपको पता है ग्लिसरीन हमारे लिए स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, इस तरीके से इसको लगाना है। बिल्कुल स्किन के कलर का ये है, और हो सकता है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या सेंसिटिव है, थोड़ी सी आप लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम की, बहुत घबराइए मत, आपकी स्किन जो बिल्कुल भी रेड नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है और ज़्यादा जो डेड स्किन हो चुकी है वो सारी रिमूव हो जाएगी, और साथ के साथ आपकी स्किन और जो आप लोगों के जो पिंपल्स है वो भी आपके जो जैसे डार्क स्पॉट्स छोड़ जाते हैं वो भी आपके क्लीन हो जाएंगे। ये देखते इस टाइम मैंने आपको दिख रहा होगा मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा रखा है, एक लिपस्टिक और एक काजल कर रखा है। बस इस तरीके से आपको इसको लगाना है, और आपकी स्किन पे देखिएगा थोड़ी सी देर बाद कितना ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा जब मैं इसको जो अच्छे से जो है हटाऊंगी, वॉश करूंगी। बस आपको इस तरीके से लगाना है। अब आपको पता है ग्लिसरीन जो है बहुत ज़्यादा जो है गर्म होता है, और हमारे स्किन के अंदर अंदर बहुत जल्दी, जैसे अगर आप नारियल तेल को 15 मिनट मसाज करते हैं, आपको इसको जो है 2 से 4 मिनट इसको अच्छे से बस सिर्फ मसाज करना है, तभी आपको जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं कोई भी ऐसा पैक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो और आपकी स्किन को जो है दाग धब्बे या कुछ ऐसी चीज़ छोड़ के चला जाए। देखिए ये मैंने लगा लिया है, ये आप लोगों की जो स्किन को बहुत अच्छा सॉफ्ट भी करेगा, बहुत अच्छा जो है बहुत मुलायम कर देगा, बिल्कुल मक्खन की तरह कर देगा, और आपको पता है कि बहुत बेनिफिट करता है ये। अरे देखिए मैंने लगा लिया है, बस इसको आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मसाज करना है, और आपकी जो रिंकल्स है उनको भी ये टाइट करेगा। इस तरीके से आपको उनको अच्छे से मसाज करना है ऊपर की तरफ, बस इस तरीके से ही करना है, बस 2 से 4 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, और जितनी भी आपकी डेड स्किन है वो सारी क्लीन हो जाएगी। बस ये इस तरीके से कर लेना है, देखिए कर लिया। अब मैं इसको फेस को वॉश कर लेती हूँ। देखिए मैंने एक जो है टिश्यू पेपर ले लिया है मैंने, अब आपको दिखेगा बिल्कुल साफ टिश्यू पेपर है, मैं अब इस पे जो अच्छे से साफ करूंगी इसे, इस तरीके का ये निकल जाएगा, और आपको दिखेगा कि धीरे धीरे मेरी स्किन जो बहुत ज्यादा जो ग्लोइंग करना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको उसको करना है, बस ये देखिए मैंने जो है पूरा क्लीन कर लिया मैंने, तो आपको दिखेगा धीरे धीरे जो है मैंने बिल सिर्फ पानी से इसको जो अच्छे से वॉश किया है, और अभी मैंने कोई साबुन नहीं इसको लगाया है, बस इसी तरीके से करना है। अब आपको दिखेगा कि मैंने जो एक बार वॉश करने के बाद मेरा जो हल्का हल्का जो है ये शाइनिंग करने लग गया, ग्लोइंग करने लग गया। इस तरीके से हमारी स्किन जो है आप अपनी फुल बॉडी को भी वाइटनिंग कर सकते हैं, लाइटनिंग कर सकते हैं, और साथ के साथ ग्लोइंग कर सकते हैं। ये इस तरीके का ये जो है ग्लिसरीन जो है अपना थोड़ा सा असर छोड़ देगा। आप इसको अच्छे से जो है पानी से कितना ही अच्छे से धो लेंगे, मगर बट ये जो आपको रिजल्ट जो है मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इस तरीके से आप लगाएंगे तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।